हर बार की तरह मैं पहले अपनी बहन को पिक करने आई हूँ और फिर हम यहाँ से जाएंगे। इसको क्या परेशानी हुई होगी? इसको इन्हें पाँव में ना मैगट्स हुआ था। ध्यान रखिएगा बच्चों का, मैं आती हूँ फिर, है ना, 7 तारीख को। हाय गाइस, एक बार आपका फिर से वेलकम है हमारे ब्लॉग में, हमारे चैनल माई स्टूडियो में। मैं हूँ प्रकाशिका और यह है आपकी बहुत प्यारी माही। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज 1 जनवरी है, तो सबसे पहले तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर सभी को। और सेकंड थिंग कि आज आपने देखा होगा सब लोग बहुत सारी जगह जाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, दैट्स वाई हम आज एक बहुत ही प्यारी सी जगह जा रहे हैं। और डेफिनेटली आपको ये बहुत अच्छा लगेगा हमारे साथ कि हम कहाँ जा रहे हैं देखकर। तो आइए चलते हैं। हम लोग जहाँ से आए हैं अभी, वहाँ से ये जगह 20 किलोमीटर दूरी पर है, साहस फॉर पुणे करके ये एनिमल रेस्क्यू करते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, पर हम थोड़ा आगे उतर गए। एक्चुअली हमें जगह पता नहीं है और वो कॉल नहीं उठा रहे हैं, हम जहाँ पे आए हैं जिन्हें कॉल कर रहे हैं, तो हम अब खुद ही ढूंढते हुए जाएंगे। कोशिश कर रहे हैं हम कि हम खुद ही ढूंढ लें, और फिर मैं इसकी बिल्कुल सही लोकेशन डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग अगर कभी आने चाहें तो आप लोग बिल्कुल सही लोकेशन पे आएंगे। ये वीडियो जो है, ये खासकर एनिमल लवर जो है उनको बहुत ही पसंद आने वाला है, क्योंकि ये एनिमल रेस्क्यू करते हैं, तो बहुत ही प्यारी सी चीज़ है आज के दिन के लिए करने के लिए। आई होप सो गाइस आप लोग को बहुत अच्छा लगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आजकल जो लॉकडाउन के बाद से एनिमल रेस्क्यू पे बहुत ज़्यादा जो है वो जोर देते हैं कि हाँ, हमें पपीज को और कैट्स को इनको जो है रेस्क्यू करना चाहिए, अगर रेस्क्यू नहीं कर सकते तो इनकी देखभाल करनी चाहिए, ऐसा काफ़ी टेंशन देख जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि लॉकडाउन के बाद से बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा है। तो लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी गलत तरीके से बिहेव करते हैं पेट्स के साथ, स्ट्रीट डॉग्स के साथ, कैट्स के साथ, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली हम लोग भी यहाँ पर पहली बार ही आए हैं, तो अभी हम देखने वाले हैं कि वो जगह कैसी है, वहाँ पर कैसे रखते हैं वो। सो ठीक है, चलिए। इसका नाम गीता, इसका नाम पिंकी, उसका नाम कालू, उसका नाम खोखो, उसका नाम बाला, इसका नाम खोखो और बाला, ओके, और पिंकी और गीता, ओ कालू, खोखो, बाला और के कालू इसको। अच्छा, फिर झगड़ा ही कर देते अपने आप से, मतलब खेलते भी है।
नहीं मतलब जमती भी है सही एक दूसरे के दांत। तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे। ये जो आया ठीक हो रहा है, आप देख सकते हैं रॉकी बहुत ही प्यारे छोटे छोटे से बच्चे यहाँ पे। देखिए आप इसको बहुत लगी हुई है एक्चुअली। आप यहाँ पे आ सकते हैं और सीरियसली इन लोग को देखने के बाद में इतना प्यार आता है ना इन पे, पता नहीं लोग इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हैं, समझ में नहीं आता। से बढ़ जाती है, वैसे हो गया था तो अभी ठीक है, अच्छे से रिकवर तो हो रहा है। लूज मोशन हुआ था ना बीच में। लोग कैसे छोड़ देते हैं पाल पाल के, ये पाला हुआ है ना, ये पाला हुआ है, पाल के छोड़ दिया किसी ने। बाप रे इसकी आंख में कितना लगा हुआ है। वही लग गया था अडॉप्शन के लिए भी कुछ वो होंगी ना टर्म एंड कंडीशन, आप मुझे बता देना। हाँ ठीक है। बॉबी है, इसको किसी ने पाला था और यहाँ पाल के छोड़ दिया, उसकी कंडीशन देखो आप। तो अगर नहीं रख सकते हो ना तो मत पालो, लेकिन गलत मत करो किसी के साथ। बहुत प्यारे बच्चे, मतलब छोड़े नहीं, हमेशा ध्यान रखे बच्चों जैसे, उन्हीं को देना चाहिए, वरना आधे लोग जिम्मेदारी समझ नहीं पाते। और प्लीज आप लोग एक बात याद रखिए, अगर आप लोग नहीं मतलब पाल सकते हैं मत रखो, कोई कह नहीं रहा है, लेकिन अगर हाँ। नहीं पाल सकते हो तो मत रखो। इसको पाल के किसी ने छोड़ दिया है ये। ओह कितना क्यूट है ये। हाँ। कितना प्यारा सा है। बच्चे सभी क्यूट होते हैं देख। ओ बेटा 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 मेरा बच्चा। हाँ बेटा दूध भी खाते हैं। अरे 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 हाँ दुखी का तो सही उसे। ये चिकन खा तो ना, चिकन है ना, चिकन राइस है ना, चिकन खा ली। हाँ वैसे उबाल के देते हैं ना, भी देते हैं, पेडिग्री भी देते हैं, दूध भी देते हैं इनको। और यहाँ बनाने की सुविधा है। हाँ बनाते हैं। तो यहाँ पे एक शॉप वगैरह नहीं है पास में? ना है नहीं, शॉप पास में है ना, शॉप लेके आते हैं यहाँ पे अभी ये 7 तारीख को, तब भी लेके आ जाएंगे। हाँ अभी भी लेकर आते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइस खाते ना, मैं राइस का कट्टा लाऊं तो खाएंगे ना। हाँ, हाँ राइस का कट्टा। कोई पर्टिकुलर राइस है, कोई सा भी लाऊं क्योंकि मुझे आइडिया नहीं। कोई सा भी लाऊं। ओह नन्ना बाबू, नन्ना बेटा, कितने प्यारे के बच्चे। लोग आजकल पता है लोग ही जानवर बन रहे हैं, जानवर नहीं है जानवर। मैंने कल रात को वो एक फोटो नहीं भेजा था, वो पैर रखा हुआ था दो जने, देखा नहीं? मतलब ऐसे ऐसे करते हैं लोग कि आप सोच ही नहीं सकते। वो पता नहीं ऐसे सीखते कहाँ से हैं लोग, इतनी घटिया हरकत है। और छोड़ भी जाते हैं, मतलब एक्सीडेंट वगैरह करने के बाद उन्हीं की इलाज करवा देखते तो नहीं है। कम से कम साइड पे तो रखना चाहिए ना डॉग को। अरे बोलने के लिए भी आता नहीं है कि कम से कम हमें उठा दो, पता नहीं मतलब आत्मा जवाब कैसे दे जाती है ऐसा करने के लिए। कौन ये? तो बाहुबली, बाहुबली नाम जैसा ही है, सब डॉग के साथ खेलता है अच्छे से प्यार से। अच्छा ये मेल है क्या? मेल है, गुस्सा भी दे देता है। ये कितनी स्ट्रॉन्ग है पिंकी, आप देखो उसके पैर में लगी हुई है, मतलब सीरियसली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दे दिया है। पर अपने आप से आ गई इधर ट्रीटमेंट करने के लिए। मुझे भी रेस्क्यू करते हैं, मतलब इसको क्या परेशानी होगी? इसको पाँव में ना मैगट्स हुआ था। अच्छा। अभी ठीक है वो, उसको सिर्फ जख्म है, उसका ट्रीटमेंट भी सिर्फ ड्रेसिंग करते हैं हर दिन। हाँ। पर अभी ठीक है वो। वो भी बहुत वीक लग रहा है। वीक नहीं है, उनका पेट ही ऐसा है, है? खाना बहुत खाता है पर कुछ करता नहीं है। अच्छा खेलता है अच्छे से, उनको घुमाने की जरूरत। ये पूरा शेल्टर बन रहा है इधर, डॉग्स के लिए बना रहे हैं ये इधर, सब जगह पे जो है इधर अच्छे से डॉग्स को रखेंगे जो बाहर हैं। पर वही है, कभी किसी वजह से रह जाता है, कभी किसी वजह से रह जाता है, तो मैं कभी आ ही नहीं पाई। मैंने कहा आज से अच्छा दिन था, वाला इससे अच्छी क्या बात है कि मैं आज। हाँ आज तो बहुत लोग आए विजिट करने के लिए, उनको पता नहीं था ये इधर सेंटर है। अच्छा बोल रहे थे अभी हम आएंगे, अभी 7 तारीख को पूजा रख रहे सेंटर की। मैं जरूर आऊंगी 7 तारीख को। यहाँ पे भी ये शेल्टर बना रहे हैं, यहाँ पे केजेस लगाएंगे ताकि और भी ज़्यादा रेस्क्यू कर सकें। अभी अंदर छोटा स्पेस है तो ज़्यादा रेस्क्यू नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी ये पहले अच्छे से सेटल करेंगे, उसके बाद से रेस्क्यू करेंगे और बच्चों को। सो इसकी जो लोकेशन है वो मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेक कर सकते हैं।
और अगर आप आना चाहें तो आ भी सकते हैं। इसका कुछ नाम सोचना पड़ेगा, कितना प्यारा है ये। घर चले भैया, अभी घूम के आया ना। और बहुत खाता है पर उसका शरीर ऐसा है, शायद घोड़ों का होता ही है। बंटी, बंटी, बंटी कितना प्यारा नाम है, कितना सूट कर रहा है उसे। बंटी बंटी, ये भी बंटी, मैं भी बंटी। कौन है, कौन है, ये सब समझते होंगे ना, ये तो सब समझते, इनको सब समझ में आ रहा है। कुत्तों को भी एक बार बुलाया, चल बोला तर सीधा, उनको पता चल जाता है उनका रूम कौन सा है, किसका, वही जगह पे बैठ जाते हैं। और जो स्ट्रीट डॉग होते हैं वो और ज्यादा समझदार होते हैं। वो तो है बेटा, उनको देखो ना, पैर में लगा था, इधर से दिख रहा है कि पैर में लगी हुई है। पहले बहुत बड़ा था, चले नहीं पा रहे थे, ये इतना पहले इतना बड़ा था, अभी ठीक हो रहा है। तो दीदी ये जैसे यहाँ खड़ा रहता है तो इसके लगती नहीं होगी नहीं इतना तो, अभी ये इसे हुआ है। हाँ। तो उधर आपसे जगह है ना, उधर उधर रुकता है। अभी इधर प्लास्टर कर रहे हैं तो पीछे उसका जगह बना रहे। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से, यहाँ पे 7 तारीख को पूजा है शेल्टर बनने के बाद, तो मैं 7 तारीख को दोबारा आऊंगी। दीदी आपका क्या नाम है? सविता। सविता, यहाँ पे सविता मैम मिलेंगी, अगर आपको, आप लोग कभी आना चाहें तो यहाँ पे सविता मैम है, एक सर हैं, तो आप आ सकते हैं, कभी भी विजिट कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर टाइम है दीदी विजिटिंग का? 10 बजे से सुबह 5-6 बजे तक। सुबह 10 बजे से शाम को 5-6 बजे, सुबह 10 बजे से शाम को 5-6 बजे तक का टाइम है यहाँ विजिटिंग का, तो आप आ सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल पे और फोन पे ये मैम का नंबर दूंगी, तो आप डायरेक्ट इनको पे कर सकते हैं, और ये बकायदा आपको बताएंगे जितना भी पे किया है उसकी क्या चीज आई है, क्या वो सारी चीजें ये लोग मेंशन करते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपका पैसा इधर उधर जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग डोनेशन इसलिए ही नहीं करते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, आप लोग बेफिक्र होकर डोनेशन कर सकते हैं, आप चाहे तो खुद भी चीजें ला सकते हैं अगर आप पैसा ना देना चाहें तो। तो ठीक है मैम, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम, ध्यान रखिएगा बच्चों का, मैं आती हूँ फिर, है ना, 7 तारीख को। बहुत प्यारे वैसे ही उनका। और 7 तारीख को बता देना मुझे, है ना, बाय। अच्छा लगा आपको मिलके, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ऐसे केसेस देखे मैंने जो मुझे देखकर बहुत ही बुरा लगा, और इसलिए मतलब मैंने सोचा था पहले से ही कि न्यू ईयर है, सब घूमने जाते हैं, ये वो। एक्चुअल में इंसान को अगर अच्छा काम करना है ना कुछ, तो ऐसा कुछ करना चाहिए, अगर वो नए साल में कुछ अच्छा करना चाह रहा है तो इस तरह की कुछ अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, धोखेधड़ी से कभी भी गलती से अगर आपकी गाड़ी से या बाइक से ऐसा कुछ हो जाता है तो प्लीज़ भागिए मत, आप देखिए वो भी, उनमें भी जान है, तो आप देखिए एटलीस्ट उनका इलाज तो करवा, आपसे हो गया गलती से वो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनको लेके जाएं, इस तरह से साइड में रख सकते हो उन्हें, इस तरह सड़क पे ना छोड़ें, उनमें भी जान होती है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एक और चीज़, अगर आप कभी किसी को पाल नहीं सकते तो उसे पाल के छोड़ना तो बिल्कुल भी मत, सबसे बड़ी चीज़, उसकी इतनी बुरी हालत हो जाती है कि आप समझोगे नहीं। वैसे मतलब ये चीज़ समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो लोग पालते हैं ना पेट्स को ह्यूमंस की तरह, बच्चों की तरह से, वही ये चीज़ समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर कभी किसी को पाल नहीं सकते तो पाल के छोड़ना बिल्कुल भी मत, रखो ही मत, आप रखो ही मत, अगर नहीं पाला जा रहा तो रखो ही मत, ओके। ठीक है, चलते हैं फिर, अभी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।